हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हल्दी चस्का। आज हम सावन के महीने में है रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में घेवर की, इंस्टेंट घेवर की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि सभी का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। सबसे पहले हम ये देखिए, हमने लगभग 1.5 किलो ये प्योर मिल्क लिया हुआ है, दूध लिया हुआ है, इसको रबड़ी बनाने के लिए हम रख दिए। और देखिए, दूसरे पैन में हमने ये बड़ी बॉल, एक ये हमने शुगर ली है, ये लेकर इसमें हाफ कप पानी डालकर, ये देखिए हाफ कप पानी डालकर हम, यानी एक तार की चाशनी बनने के लिए दूसरी तरफ हम रख देंगे। और साथ ही हम तब तक बैटर की तैयारी करते हैं, घेवर का बैटर तैयार करते हैं। देखिए, अब ये हमारी चाशनी जो कि एक तार की है वो बनकर तैयार है। ये हमारी चाशनी बनकर तैयार है, ये हमने एक तार की चाशनी इसके लिए बना ली। और ये हमारी रबड़ी, हमारी रबड़ी और ये चाशनी दोनों बनकर तैयार है। इन दोनों को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, तब तक हम घेवर का पेस्ट तैयार कर तैयार हो चुकी हैं। अब हम घेवर के लिए पेस्ट तैयार करेंगे और घेवर को हम 3 फ्लेवर में दिखाएंगे और इसका जो पेस्ट बनाएंगे वो भी हेल्दी बनाएंगे। खाली हम मैदा का यूज़ उसमें नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमने लिया है ये देखिए, ये 1 बॉल हमने लिया है गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर, और ये हमने लिया है ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी मैदा, 1 बॉल बराबर ही लिया है दोनों को। वैसे घेवर मैदा से ही बनते हैं ऑल पर्पज़, और ये हमने 2 टेबल स्पून इसमें हमने बेसन, हमने इन तीनों को इसमें मिक्स किया है, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने ये एक जार लिया, हम इस जार में आप कोई भी ऑयल भी डाल सकते हैं और बटर भी डाल सकते हैं और घी, हम यहाँ पर देसी घी का यूज कर रहे हैं। 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर ये देसी घी लिया है। साथ ही इसमें हम देखिए छोटी छोटी ये क्यूब्स हैं बर्फ़ की, ये हमने 4 क्यूब्स डाली हैं। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए, ब्लेंड करने के बाद ये हमारा इस टेक्सचर में ये आ गया, ये देखिए। देखिए, हम इसमें चिल फ्रिज का 1/2 कप इसमें हम पानी डालेंगे और इसको फिर से चलाएंगे। देखिए, अब ये इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसमें ये जो हमारा हमने गोल ये तैयार किया है आटा, इसके हम 2 टेबल स्पून डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे और फिर से इसको चलाएंगे। देखिए, इस तरह से तैयार हो गया। अब हम इसमें फिर से 2 टेबल स्पून फिर हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप थोड़ा दूध भी डाल सकते हैं, पानी का ठंडा पानी ही यूज करें। ये देखिए, हमारा ये घोल तैयार हो गया। फिर से हम इसमें 2 टेबल स्पून आटा डालेंगे, थोड़ा सा चिल वाटर, फिर से हम इसको चलाएंगे। हमारा पेस्ट इस फॉर्म में आ गया है। अब हमारा ये जितना बचा है हम इसमें सभी डाल देंगे, पूरा आटा। साथ ही इसमें हम 2 टेबल स्पून नींबू का रस, ये हमने इसमें ऐड किया है, थोड़ा सा ठंडा चिल वाटर, फिर से लास्ट टाइम एक बार चलाएंगे इसको और हमारा पेस्ट। देखिए, हमारा पूरा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, लेकिन ये अभी थोड़ा थिक है, इसको हम पतला करेंगे और इसको हम विदाउट मोल्ड बनाएंगे ताकि सभी लोग इजीली अपने घर में हेल्दी घेवर बना सकें। इसमें हम ये बर्फ़ का पानी, जो हमारे बर्फ़ बची थी क्यूब्स, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें हम चिल वाटर और ऐड करेंगे। देखिए, ये इसका पतला सा घोल हम तैयार कर लेंगे, इस कंसिस्टेंसी में हमने इस घोल को तैयार कर लिया है। अब हम इसको
जो भी कुछ आपका घर में इजीली अवेलेबल है उसी से ही बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ये घर में जो पानी की बोतल होती है वो हमने ली है और इसमें हम पेस्ट को फिल कर देंगे। जितनी हमको ज़रूरत है हमने ये अपनी एक बोतल भर ली और जो हमारा ये बचा हुआ पेस्ट है इसको हम फ्रिज में रख देंगे। ये गर्म नहीं होना चाहिए तो तब तक हम इसको रख देंगे। और हमने एक फ्राई पैन में ऑयल को अच्छे से घी को गर्म होने के लिए रख दिया है। देखिए हमारा ये घी अच्छे से गर्म हो गया है। देखिए सबसे पहले ध्यान रखें कि हम चाय वाले फ्राई पैन में बना रहे हैं, इसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। किसी में भी बनाएं छींटों से बच के, मतलब बहुत केयरफुली आपको बनाना है, इसमें छींटे बहुत पड़ती हैं तो इसलिए थोड़ा दूरी से आप इसको बनाएं। ये देखिए हम चाय की फ्राई पैन में आपको बनाकर दिखा रहे हैं। तेल जब बहुत अच्छे से ऑयल घी आपका गर्म हो जाए तब आप इसमें डालें। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं डालकर। देखिए बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके इसमें ऊपर से आते हैं। देखिए नीचे की लेयर अच्छे से सिकने दें, फिर से एक बार भी सेंटर में डालते जाएं। और देखिए किसी भी चीज़ से, नाइफ से या किसी से बीच में थोड़ा सा होल बनाते जाएं। देखिए बैटर कम से कम 5-6 बार हम डालेंगे, थोड़ा रुक रुक कर, जितना आपको मोटा या पतला, जैसा आपको घेवर रखना है उस हिसाब से आप इसमें साइड से इसको देखिए इस तरह से छुड़ा लें और इसको थोड़ा सा नीचे पुश करते हुए पूरा अच्छे से फ्राई कर लें, गोल्डन फ्राई कर लें। साथ ही ये बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड होते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये जो एक जाली होती है, जाली ये, इसको आप किसी प्लेट या थाली में रख लें और इसके ऊपर इसको निकाल लें ताकि इसका ऑयल पूरा अच्छे से निकल जाए। फ्लेम को बिल्कुल कम कर दें और इसको धीरे से बाहर निकाल लें और इसको एक नाइफ की सहायता से देखिए अच्छे से इसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितना सुंदर, ये देखिए हमारा घेवर बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको एक जाली पर निकाल लेंगे। देखिए हमने एक बड़ी प्लेट में इस तरह से ये जाल रखा हुआ है और इसके ऊपर अब हम इसको निकाल देंगे धीरे से। ये देखिए आप, देखिए बहुत इजीली विदाउट मोल्ड घर के ही चाय के फ्राई पैन से हमने कितना क्रिस्पी, गोल्डन और हेल्दी, प्योर मैदा में नहीं है, कितना अच्छा बनकर हमारा ये घेवर तैयार हुआ है। अब हम इसी तरह से सारे घेवर बना लेंगे कि फिर से हम एक दूसरा घेवर डाल रहे हैं इसमें। फिर से ऑयल अच्छे से, ये घी गर्म है हमारा। अब हम इसमें उसी तरह से फिर से डालेंगे। देखिए हमारा घेवर बिल्कुल बनकर तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। देखिए देखिए कितना अच्छा जालीदार। देखिए एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स, आप जो बैटर जिससे बना रहे हैं वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। तो हमने देखिए एक कटोरी में बर्फ़ डालकर ये पानी रखा हुआ है। हम डालने के बाद भगोने में बैटर डालने के बाद हम वापस बोतल को इसी में ही रख देते हैं। देखिए अब हम एक मिनी छोटा घेवर, बच्चों का, किड्स का, हम इसमें तड़का पैन में बनाएंगे। आप लोग इसमें अगर बनाएं तो बहुत होशियारी से, क्योंकि इसमें छींटे पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोई हाइट ज़्यादा वाली कोई चीज़ हो तब बनाएं, अदरवाइज ना बनाएं। देखिए इसमें गैस का फ्लेम छोटे चूल्हे पर रखें, गैस का फ्लेम कम रखें और डालने के बाद पीछे हट जाएं। देखिए ये हमारा मिनी घेवर बनकर बिल्कुल तैयार है, जो कि हमने तड़का पैन में बनाया है। ये देखिए छोटा सा
बच्चों के लिए हम को इसको इजीली देखिए बाहर निकालते हैं। ये देखिए कितना अच्छा घेवर बना है। ये देखिए दो छोटे बनाए थे और चार बड़े। अब हम इनको तीन अलग अलग फ्लेवर में दिखाएंगे। देखिए घेवर के ऊपर पहले अच्छी तरह से चाशनी डालने के बाद अब हम इसके ऊपर रबड़ी लगाएंगे। देखिए हमने इस पर अच्छे से रबड़ी लगा दी है। अब हम इस पर ये पिस्ता, बादाम, काजू जो भी आप डालना चाहें, ड्राई फ्रूट्स इसमें लगा दें। साथ ही ये दूसरा हम रबड़ी में देखिए थोड़ा सा ये रोज सिरप रबड़ी में मिक्स करेंगे और ये हम रोज सिरप वाला को हम इसमें नीचे चाशनी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम इसमें रोज सिरप ऑलरेडी डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो आप चाशनी भी डाल सकते हैं। इसको भी हम देखिए इस तरह से इसको भी हम डेकोरेट कर देंगे। साथ ही हमारा थर्ड वन जो है बच्चों का, इसमें हमने देखिए ये चॉकलेट चोको पाउडर को थोड़े से मिल्क में मिक्स किया हुआ है। साथ ही अब हम इसमें रबड़ी ऐड करेंगे और बच्चों का फेवरेट चॉकलेट वाला घेवर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम बच्चों के में पहले नीचे रबड़ी भी लगाएंगे ताकि बच्चों को हेल्दी भी लगे, टेस्टी भी लगे। अब हम इसके ऊपर से ये चॉकलेट वाला, साथ ही बच्चों के फेवरेट काजू। देखिए अभी हमारे तीन फ्लेवर में घेवर बनकर तैयार है। ये हमने चॉकलेट वाला किड्स स्पेशल बच्चों के लिए बनाया है, ये रोज सिरप का है, ये रबड़ी वाला है और एक हमने ये प्लेन रखा है। इसको आप चाशनी डालकर ड्राई फ्रूट्स के साथ ऐसे ही ले सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो जो कि आपने फर्स्ट टाइम फ्लेवर्ड वाले घेवर के होंगे, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जाकर क्लिक करें। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। हैप्पी रक्षाबंधन। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।